हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर बॉय सत्यम मेहरा एंड आई एम बैक विद एपिसोड नंबर 6 ऑफ बचपन की दुनिया। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड आई एम लिटरली वेरी एक्साइटेड टू मीट आवर गेस्ट। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तवी जर्नल ने जो इंटरव्यू की सीरीज चालू करी है, ये इसलिए स्टार्ट करी गई है टू एनकरेज ऑल दोज टैलेंटेड किड्स सो दैट उनके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके एंड ऑल दोज हिडन टैलेंट किड्स उनको प्रमोट कर सके। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं आपको क्या बताऊँ इनके बारे में, ये एक राइटर है, ये एक पोएट है, ये एक रैपर भी हैं, मतलब ये रैप लिखते हैं एंड उसको गाते भी हैं। सो कैन यू बिलीव दिस, एंड मतलब ये सिर्फ 18 ईयर्स के हैं अभी और ये इंटरनेशनल अवार्डी हैं, इंटरनेशनल अवार्डी, दैट्स रियली अमेजिंग। सो लेट्स जस्ट हियर एंड हियर फ्रॉम हिम। हेलो मिस्टर सहज, हाउ आर यू? आई एम रियली गुड, हाउ आर यू? यस आई एम आल्सो गुड। Like I am really excited to have a word with you. What are your current feelings? Sorry? I'm asking, what are your feelings right now? My feelings are so good, like as usual. I don't get excited because when we are excited, then everything goes wrong. So keep calm. That's really intellectual. So, Mr. Sahaj, let's just start our interview. Could you just introduce yourself? Yes. I am Sahaj Sabharwal. I live in Jammu City, Jammu and Kashmir, India. And I am doing aeronautical engineering now. And my aim is to become an aeronautical engineer or a scientist or to do something innovative, to do something for the country, to invent something like a scientist. Like I want to do something unique that no one has done, and I want to make my country proud of me. That's great. मतलब आप एक writer हो, आप international awardee हो. Writing में you have just earned so much international award. ये जो मतलब हम सिर्फ ख्वाबों में सोचते हैं, वो आपने सिर्फ 17 की age तक achieve कर लिया. तो मतलब आप अभी एनालॉजिकल इंजीनियरिंग करना चाहते, तो आप राइटिंग में नहीं अपना फ्यूचर परस्यू करना चाहते? नहीं, राइटिंग तो जस्ट ए पैशन था, मतलब फ्री टाइम में, मतलब मैं लिखता था, मुझे थोड़ा पता था कि मतलब मेरी बुक भी आ जाएगी, तो बुक जो थी वो बेस्ट सेलर भी बन जाएगी और साथ में मतलब इतना हाई लेवल पे पहुंच जाएगी, मेरे को नहीं लगता था। मतलब मैंने एक ही पहली पोएट्री अपनी जब लिखी ना, वो मैंने लिखी थी मदर्स डे, तो मैंने वो मदर को डेडिकेट की थी, तो वो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मा को सुनाई, तो उनको काफी पसंद आई, तो उसके बाद उन्होंने सारे रिलेटिव्स वगैरह को दिखाई, जैसे मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, काफी लोगों ने उसको शेयर भी किया, मतलब काफी लोगों ने मतलब ना सपोर्ट भी दिया, तो उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब और लिखता गया, तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो पोइट्री थी, कई कॉन्टेस्ट वगैरह हुए, उससे मैंने पार्ट लिया, तो उसमें काफी बार मैं सिलेक्ट हुआ, उसमें भी अवार्ड वगैरह काफी मिले, तो उन्होंने काफी हेल्प किया मेरे को मोटिवेट करने में, तो ऐसे ही मतलब मैं लिखता गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है, तो उसने मेरा कहीं पे देखा होगा, कहीं गूगल वगैरह कहीं पे मेरे को देखा होगा, तो वहाँ पे मेरे को कांटेक्ट किया उन्होंने फोन नंबर पे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब हम आपकी बुक पब्लिश करना चाहते हैं, तो उन्होंने मतलब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश की मेरी बुक, वो बोलते हैं हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, मतलब अच्छे से मतलब मेरी बुक पब्लिश करेंगे, सब कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है, ऐसा इसलिए किया है ताकि मतलब वो एक यंग टैलेंट को प्रमोट कर सके, क्योंकि तब उस टाइम पे मैं 17 इयर्स का था खाली, तो काफी पसंद आई मेरी राइटिंग्स। वेल दैट्स ग्रेट, दैट्स सो इंस्पायरिंग राइट नाउ, क्योंकि मैं खुद अभी 17 इयर्स का हूं, तो मैं खुद सोच रहा हूं कि मैंने जितना अचीव किया और आपने जितना अचीव कर लिया है अभी तक, दैट्स टोटली आउट ऑफ द बॉक्स। आप भी काफी अच्छा करते हो, मैंने देखा था। थैंक यू सो मच। सो हाउ इज योर लॉकडाउन गोइंग, मतलब आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो एक्चुअली, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ फन करने को है नहीं अभी। लॉकडाउन मतलब एक तरह से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, जो मतलब राइटर्स या फिर कोई भी मतलब जिनके पास हिडन टैलेंट है,
जैसे मैंने भी अपना मतलब मोस्टली मतलब मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो मतलब पिछले लॉकडाउन में मतलब मैंने काफी सारा अचीव किया। जैसे मतलब लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा कि मतलब ऐसे फ्री बैठने से कुछ होगा नहीं, डीमोटिवेट होने से कुछ होगा नहीं, तो इससे अच्छा हम मोटिवेशन फैलाएं, किसी को इंस्पायर करें अपने मतलब वर्क से, कुछ कुछ अजीब अलग सा करें। तो मैंने ऐसे ही मतलब लिखता गया तो इस तरह से करके मतलब मेरा सोशल मीडिया वगैरह भी मतलब काफी ग्रो होता गया। तो उसी तरह से मतलब और सपोर्ट मिलती रही, तो ऐसे ही अचीव काफी कुछ कर लिया मैंने लॉकडाउन में। लॉकडाउन में मैंने मतलब मोस्टली अपना रैप वगैरह बनाया। लॉकडाउन में मतलब मैंने अपनी और राइटिंग्स लिखी। लॉकडाउन में मतलब मैंने काफी चीजें कर ली। तो तो मतलब ऐसे ही मैं आप सभी को बताना लॉकडाउन चाहता पे हूँ। काफी हाँ, आप लॉकडाउन पे काफी देखते हैं। जिनके पास भी मतलब लॉकडाउन में टाइम है तो उनको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाली मतलब न्यूज वगैरह देख के मतलब ऐसे अपने को डीमोटिवेट करके ऐसे परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप खुद भी मतलब कुछ नया करो, कुछ अलग सा करो, जिससे मतलब आपको टाइम मिला है। तो ऐसा टाइम आपको कभी मिला नहीं होगा, आपको ये पूरे 2 साल मिले, मतलब कुछ भी कर सकते थे आप इसमें, तो करने वालों ने किया। तो आपकी मतलब मोटिवेशन किसने आपको एकदम से बुक की ऑफर आ गई कि हम आपकी बुक पब्लिश करना चाहते हैं और वो अमेज़न की बेस्ट सेलर बन गई मतलब एकदम से, तो आपको मोटिवेट किसने करा ये एकदम ये सारा कुछ प्रोसीजर करने के लिए? मोटिवेट किसी ने नहीं, मतलब पेरेंट्स वगैरह ने से इंस्पायर हुआ मैं। उसके बाद फिर मैंने जो मतलब मैं आसपास देखता था अपनी सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, जैसे रिलीजन्स के ऊपर मतलब लोग लड़ाई करते थे, तो उसके ऊपर मैंने पोइट्री लिखी कि मतलब सारे रिलीजन्स एक टाइप के होते हैं, मतलब किसी को मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक गॉड है तो हमें मतलब ऐसे धोखेबाजी वगैरह में नहीं फंसना चाहिए। तो और भी मैंने इस तरह से लिखी जैसे नथिंग मच फॉर माइनर्स, मतलब जो माइनर्स मतलब 18 ईयर से कम के जो होते हैं उनको मतलब काफी चीजें नहीं मिल पाती, तो वो मैं रीड करके आपको बताता हूँ हाँ प्लीज प्लीज अपनी बुक से। ये मेरी बुक है, पोएम्स वैसे रहते हैं हाँ मतलब या दिस वाज द बेस्ट मैं सेलर इन अमेज़न मैं आपको वो पोइट्री रीड करके दिखाता हूँ। या नथिंग मच फॉर माइनर्स। माइनर्स आर दोज लेस देन 18 एज दे डोंट हैव नॉलेज इन केन, दे डोंट हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस एज दे डोंट हैव ड्राइविंग सेंस। माइनर्स आर गिवन जस्ट पेन एंड पेज, देयर लाइफ इज नॉट मोर देन ए केज। हॉलीडे इज नॉट गिवन इवन ऑन संडेज एज देयर एज इज नेग्लिजिबल फॉर फन डेज। पेरेंट्स आर वरीड नॉट टू गेट ब्लेम फ्रॉम माइनर्स, दे जस्ट वॉन्ट देयर फेम। Circumstances are same for every minor. Parents are just their life designer. Thank you. That's great, that's great. तो Thank मतलब you. आपने इतनी ज्यादा पोएम्स लिखी हैं हिंदी इंग्लिश, आप रैप भी लिखते हो इनफैक्ट, तो आपको इनकरेज किसने किया मतलब आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किन की तरह आप बनना चाहते हो इन फ्यूचर? मतलब हमें किसी को देखना चाहिए कि मतलब कोई मतलब इस लेवल पे है तो हम उससे उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। हमें मतलब लिमिट कोई रखनी नहीं चाहिए, मतलब हमें ऐसा बनना है कि मतलब लोग हमारे जैसा बनने की कोशिश करें, मतलब हमें उस लेवल पे जाना है कि मतलब कोई मतलब हमारा मुकाबला ही नहीं कर सके। तो मतलब ऐसे हम किसी का देखते हैं ना कि मतलब ये बंदा जो है वो भी तो इंसान है जो मतलब बनाए यहाँ तक पहुंचे, तो उसने भी तो मतलब अपनी मेहनत की होगी, उसके आगे भी कोई नहीं होगा, लेकिन उसने खुद सोचा कि मैं खुद कुछ अलग सा करूंगा, उससे ऊपर जाऊंगा। तो देखो आज वो जब इतना बड़ा है तो मतलब मुझे उस उनसे भी ऊपर जाना है, तो मेरे को अपना खुद का लेवल बनाना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट थॉट, जो कि मतलब अभी बच्चे बच्चों को यही थॉट की एक जरूरत है कि हाँ हम अपने आप को कुछ बनाएं और दूसरे हमसे इंस्पिरेशन ले सकें, बट यही है ना कि सारे बच्चे मतलब कुछ दूसरों लोग को होते हैं ना, देखते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब हमें देखते हैं कि ये देखो कितना बड़ा है, तो हमें हम जेलसी फील करते हैं कि मतलब ये देखो ये हमसे कितनी आगे है और हम देखो कितने पीछे हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, इससे हम हमेशा पीछे ही जाएंगे, मतलब आगे बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है इससे। तो मतलब हमें ये सोचना है कि मतलब देखो जो लोग हमसे नीचे हैं हमें उनको भी देखना है कि वो क्यों नहीं पहुंच पाए ऊपर तक। तो जो हमसे ऊपर है हमें देखना है कि हम इतने ऊपर क्यों नहीं पहुंच पाए, इससे हम बढ़ेंगे। हम ऐसा नहीं कि मतलब जो ऊपर है तो हमें उतना ही पहुंचना है, हम उनसे भी ऊपर जा सकते हैं। वेल दैट्स रियली अ ग्रेट थॉट, क्योंकि ये चीज तो मैं खुद नहीं सोच पाता था कि हाँ भाई हम आगे वाले को सोचें कि यार वो हमसे आगे कैसे है तो हम उस तक पहुंचते हैं, वो चीज तो मेरे अंदर भी नहीं कभी आई। तो आपने काफी क्रिटिसिज्म से भी डील किया होगा, मतलब कई लोग होंगे जो हाँ, बोलते होंगे काफी कि आपकी पोएट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, काफी लाइक बहुत बोरिंग है, स्टार्टिंग हम इसी वो से होती नहीं है। कर
अगर मतलब कोई बंदा आगे बढ़ता है ना, तो उसकी स्टार्टिंग ही इसी से होती है कि मतलब लोग क्रिटिसाइज करते हैं। और लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं आपको? ताकि मतलब आगे ना बढ़ सको। उनको दिख रहा होता है कि मतलब ये बंदा कुछ अलग सा कर रहा है, ये कुछ आगे बढ़ सकता है, ये मतलब हाई लेवल पे जा सकता है। तो मतलब हमें डिस्करेज करने के लिए हमें बोलते हैं कि मतलब ये देखो आपने क्या किया है, ये कितना बेकार है, मतलब इस लेवल का नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा, इसमें मतलब पैसे नहीं मिलेंगे आपको, या मतलब इससे अर्निंग नहीं हो पाएगी, या मतलब इससे मतलब कोई फायदा नहीं है, ऐसा करते रहेंगे। तो अब जैसे मैंने मतलब जिस तरह से मैंने काम किया, तो अब मैंने सभी को दिखा दिया, मतलब सभी का मुंह बंद है इस टाइप। मतलब मैंने जो जो काम किया, तो मतलब जो भी मेरे हेटर्स वगैरह थे, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब उन वो सब मतलब मेरे से मोटिवेट हो रहे हैं, वो भी ऐसे इसी फील्ड में आ गए, और वो भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इस तरह से, मतलब उनको खाली फेम चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए कि मतलब किस तरह से मेहनत कितनी लगी, जो क्रिटिसिज्म था तो उसको मतलब हमने कैसे खत्म किया, अपने दिमाग को मतलब मोटिवेट किया, और क्रिटिसिज्म को मतलब हमने खाली इग्नोर किया टाइप से। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मतलब आपने क्रिटिसिज्म को एकदम पे साइड पे कर दिया और आप सिर्फ अपने मोटिव की तरफ ही फोकस करके रहे कि मतलब मैंने जो ये हमने, करना है हाँ तो करना जो हमने करना है वो हमने करना है। तो अब डीमोटिवेटर्स जो मोटिवेटर्स हुए हैं वो मोटिवेट ही करेंगे, जो डीमोटिवेटर्स हैं वो हमें डीमोटिवेट ही करेंगे। तो हमें मोटिवेट करना है लोगों को, हमें डीमोटिवेटर से बचना है। दैट्स ग्रेट। तो मिसेस सहज, आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, लाइक दैट इज जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला। मतलब तो आपकी फर्स्ट फीलिंग क्या थी उसको लेकर के, कि मतलब मुझे मिल रहा है ये चीज, और कितने ज्यादा कॉम्पिटिटिव लोग होंगे आपके साथ कि उनके अंदर भी टैलेंट की कुछ कमी तो होगी नहीं, तो वो कैसी फीलिंग होती है? टैलेंट तो हर किसी में होता है। मतलब जैसे कोई कोई भी कोई ह्यूमन होता है, वो मतलब जब धरती पे आता है तो उसको मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें होगा कि मतलब कुछ फीचर तो लेके आता है। हमें मतलब खाली डिस्कवर करना है उस चीज को, जो मतलब हम हमें भेजा जिस चीज के लिए, हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना है, मतलब देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई टैलेंट मतलब किसी के ऊपर नहीं लिखा होता कि ये टैलेंटेड है या फिर इसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, मतलब वो हमें खुद डिस्कवर करने पड़ते हैं। हमें कुछ कुछ ना कुछ अलग से करना पड़ता है, नया नया करना पड़ता है। जैसे मैंने थोड़ा सोचा था कि मतलब मैं राइटिंग करूंगा, मेरे को मतलब कि पोइट्री लिखनी भी नहीं आती थी, तो मुझे थोड़ा पड़ता था कि मतलब मैं ऐसे कर लूंगा कि मैं इतनी बुक्स लिखूंगा या क्या करूंगा। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब सब कुछ हो जाता है। तो आपकी मतलब फर्स्ट फीलिंग क्या थी वो, जब आपको फर्स्ट मतलब फीलिंग था, एकदम से आया होगा कि अवार्ड मिल रहा है मुझे, वो भी इंटरनेशनल, तो मतलब वो क्या काफी ज्यादा कैसा एक्साइटेड एक्सपीरियंस था। होता है? तब मैं भी काफी छोटा था जब मेरे को मतलब पता लगा, जैसे मेरे को जैसे अवार्ड मिलने लगा था, जैसे फर्स्ट अवार्ड जब मेरे को मिला था, तो मतलब पहले छोटा सा अवार्ड था एक, वो स्टेट लेवल पे था। उसमें मतलब एक जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर में था एक अवार्ड, उसमें न्यूज चैनल्स वगैरह जो थे ना उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें मेरे को मतलब मैंने एक पोइट्री अपनी सबमिट की, तो उसमें मतलब पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सभी ने सबमिट किया था, तो मेरी जो पोइट्री थी वो सिलेक्ट हो गई। तो उसके लिए मेरे को अवार्ड लेने के लिए बुलाया, तो तब मेरा, तब छोटा सा ही था लेकिन मेरे को वो काफी बड़ा लग रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है वो स्टेप्स में होती है, मतलब हम डायरेक्टली ऊपर तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके बाद नेशनल के लिए मेरे को एक बार मिला, ऐसे स्टेट में करते 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 करते, और एक बार मेरे को नेशनल अवार्ड में मैंने अप्लाई किया। अगर हम सोचेंगे कि हम क्या लेवल के हैं, हम स्टेट लेवल के हैं कुछ हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अपना लेवल को बढ़ाना है। जैसे मैंने नेशनल को किया, तो नेशनल अवार्ड में मतलब मैंने अप्लाई किया, तो उसमें मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला, और मतलब एक दो बार मतलब मेरे को सिलेक्ट नहीं भी हुआ काफ़ी जगहों पे। ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ मैंने अप्लाई किया वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया या कुछ, ऐसा कुछ नहीं तो है। मतलब जिसमें मतलब अगर हम फेल हो रहे हैं या मतलब हमें कुछ कमियाँ हैं, तो उससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने आप को थोड़ा और हाई लेवल का कर सकें। कि मतलब जैसे अगर मेरे को नेशनल लेवल में मतलब एक बार नहीं मिला, तो मैंने उसके लिए और ज्यादा मेहनत की कि मेरे को अगली बार, अगली से अगली बार मैंने जब अप्लाई किया, मेरे को नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे मिल गया। दैट्स रियली इंस्पायरिंग। अच्छा, आपकी एक बुक, यही जो आपने अभी बुक दिखाई थी, पोएम्स बाय सहज सबरवाल, इसका टाइटल ही आपने अपने नाम से रखा है, पोएम्स बाय सहज सबरवाल, तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, तब मुझे मतलब इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि मतलब बुक्स क्या होती हैं, मतलब मैंने कभी कोई बुक पढ़ी भी नहीं थी मैंने ना, मैंने मतलब कोई मतलब जो स्कूल में टेक्स्ट बुक वगैरह होती है ना, मैं बस वही पढ़ता है थोड़ी बहुत, बस और कुछ भी नहीं है। कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह मैं खरीदता नहीं था, मेरे को पसंद ही मतलब नहीं आपने कोई भी ऐसे नॉवल और बुक वगैरह ऐसे थी। ना एग्जैक्टली ना, नहीं पढ़ी, तो फिर आपके अंदर मेरे को वो नहीं चीज पढ़ता। कैसे क्लिक करा कि आई शुड राइट अ बुक? मैंने तो मतलब अपनी राइटिंग्स थोड़ी बहुत लिखी थी, मैंने कलेक्शन बना लिया था,
तो वो मतलब जैसे जैसे मतलब वेबसाइट्स वगैरह पे आती रही या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह पे होती रही, मेरे इंटरव्यूज वगैरह हुए, तो उस तरह से मतलब लोग जानने लगे। तो वैसे ही मतलब कोई कोई कंपनी ने वो कॉन्टेक्ट किया, तो उसी तरह से मतलब उन्होंने बोला कि हम आपकी बुक पब्लिश करना चाहेंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज हमें बताइए, तो मैंने कर आपकी दिया। एक नई बुक भी आ रही है, कुछ उसके बारे में अभी बता मतलब मैंने दोगे? उसके लिए अनाउंस नहीं किया अभी मैंने, लेकिन मतलब बहुत जल्द आ जाएगी, तो उसके लिए मतलब सारा वर्क कंप्लीट है, तो कवर वगैरह भी सब जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो ओके न्यू बुक जो होगी वो मतलब कुछ अच्छी क्वालिटी होगी, मतलब ये तो मेरी स्टार्टिंग थी ना, ये 17 की एज में लिखी थी और अब मैं 19 ईयर्स का हूँ, तो अच्छा, यू आर 19, अब मैं ये थर्ड 19 ईयर्स का हो गया मंथ की हूँ। अब मतलब मैं अब रीडिंग इसको अब मतलब जो अगले थॉट्स जो होंगे वो मतलब थोड़े हाई लेवल के होंगे इसमें, और मतलब काफी लोगों को पसंद भी आएगा ये। जैसे पिछले पिछली बार में जो मेरी गलतियां रह गई थी, तो मैंने इस पर वो सारी इम्प्रूव करके इसको थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश की है। ओके। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे बुक में से जो आपने लिखी है? हाँ जी, तो मैं आपको कोई और पोइट्री सुनाता हूँ, हिंदी है पोइट्री। वैसे मेरे हिंदी थोड़ी यस, कमजोर है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। अरे ट्राई करो, इट इज जस्ट अ सिंपल कन्वर्सेशन, ये कोई इंटरव्यू, जस्ट ऐसे ही है। हिंदी में मतलब मैंने एक ऐसे ही की थी ट्राई, एक लो आ गया नया जमाना, स्वच्छ भारत बन गया है एक बहाना, क्या भारत की स्वच्छता का इरादा, टूट रहा है यह स्वच्छ भारत का वादा, सैलानी है आते यहाँ, देखते हैं गंदगी देखे जहां, क्या वैष्णो देवी की पवित्र पहाड़ियां, लिपटी हैं जो बर्फीली साड़ियां, एवं मनुष्य की अपवित्रता का साथ, दया करो हम पर भैरवनाथ, इसी गंदगी का करना है अंत, तभी काम करेगी भक्ति और मिलेंगे प्रभु और संत। थैंक दैट्स ग्रेट। मतलब ये जो कोई होता है ना, इंटेलेक्चुअल सोचते हैं कि हाँ भाई, हम यहाँ से भी पॉइंट्स उठा लेते हैं, यहाँ से भी पॉइंट्स उठा लेते हैं, उसको एक तरह से पूरी तरह से एक बनाना पोएम, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। ये तो मेरी पहली आप हिंदी ये पोइट्री थी, मतलब मेरी हिंदी थोड़ी पहली, कमजोर है माय मैंने जैसे गॉड, बताया, और ये इतनी ये ऑसम है ना, सेवनटीन की मैं एज में लिखी लिटरली थी। बताऊं, मैं अगर इसके ऊपर, अगर मैं इसको इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह पर कहीं पर डालूंगा तो ये हिट हो जाएगी। ये पहली है, मतलब मैं सोच नहीं सकता, मैं लिटरली ऐसे एक्साइट हो रहा हूँ कि आपकी आने वाली पोएम्स कैसी होंगी। लाइक आने दैट्स वाली जस्ट थोड़ी मैंने ग्रेट। इसे अच्छी लेवल की रखी है, मतलब थोड़ी क्वालिटी मैंने सारा इम्प्रूव किया है जो आने वाले में है। तो ये वाली जो थी, तो मतलब मैं तब काफी चाइल्डहुड में था, जब मैं 17 इयर्स में, तो तभी मैंने लिखी थी। 16 में मैंने शायद लिखी थी, तो 17 में मेरे को कांटेक्ट किया था उन्होंने, तो ऐसे ही मतलब अब तो मेरी 19 है, तो मतलब मैंने थोड़ा और अच्छा किया, जो हाँ, गलतियां वो इसमें रह तो गई थी एज वो के मैंने हिसाब उसमें। से इम्प्रूवमेंट भी कहा जाती है। तो आप पेंडेमिक को किस तरह से देखते हो? मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपके, मतलब कैरियर में या फिर आपके इसमें, ये जो आप राइटिंग सेशन कर रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या आई पेंडेमिक के दौरान? पेंडेमिक में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब प्रॉब्लम जो थी उसको हमें इम्प्रूव करने का मतलब टाइम मिल गया। जैसे जैसे ही पेंडेमिक आई, तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि COVID-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसको मतलब ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे ही मतलब सभी की हेल्प करने के लिए मैंने एक COVID-19 के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा, मतलब मैंने रिसर्च की कि कौन सा मास्क ज़्यादा अच्छा होता है। सर्जिकल मास्क, एक सर्जिकल मास्क होता है और एक N95 होता है, तो मतलब उनमें से कौन सा मास्क हमें पहनना चाहिए और किस तरीके से पहनना चाहिए कि मतलब हम असली में COVID-19 को अपने अंदर जाने से रोक सकें। तो मैंने उसके ऊपर पूरी रिसर्च की, मतलब साइंटिफिक रिसर्च जो होती है, तो वो मैंने मतलब काफ़ी बड़ा आर्टिकल लिखा, और वो काफ़ी काफ़ी लोगों ने मतलब उसको अप्रिशिएट किया, मतलब साइंटिस्ट वगैरह ने भी उसको अप्रिशिएट किया, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो हैं उन्होंने भी मतलब मेरा जो आर्टिकल था उसको मतलब रीड वगैरह किया, तो उसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह वो काफ़ी मिले, तो कोविड वॉरियर के लिए मेरे को उसके लिए मिला अप्रिसिएशन कि आपने इतनी बड़ी हेल्प की मतलब साइंटिस्ट वगैरह की इस तरह से। तो जो वो मेरा था उसमें मैंने ऐसा लिखा है कि जैसे मास्क वगैरह पहनते हैं, तो कुछ करते हैं कि जैसे एक साइड से पहन लिया तो उसके अभी उतार के मतलब दूसरी साइड से भी पहन लिया, मतलब जो बाहर जो जर्म्स लगे होंगे वो मतलब अंदर चले जाएंगे, तो उससे मतलब मास्क पहनो ना पहनो तो नुकसान ही हुआ है एक साइड से। तो मतलब हमें मास्क को मतलब अच्छे तरीके से पहनना चाहिए ताकि जो जर्म्स वगैरह, तो हम उसको असली में रोक सकें। मास्क मतलब कोई दिखावा नहीं है कि हाँ मतलब जैसे पुलिस वाले कुछ कहेंगे या लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है,
तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए देखना है। अगर आप जिंदा रहोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, तभी तो आगे एंजॉय कर पाओगे। तो ये सब जो है ये हमारे खुद की सेफ्टी के लिए है। तो हमें मतलब किसी को ये देखना कि वो बंदा हमें देखेगा या वो बंदा हमें डांटेगा तो हमें मास्क अच्छे से पहनना है, या छुपा कोई मतलब आगे पीछे हो कोई नहीं देख रहा हो तो हम मास्क नीचे कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसा कि बोला हुआ कि घर पे भी मास्क पहन के रखना है, हाँ मतलब कोशिश करनी है कि हमें मास्क जो है वो घर पे भी पहन के रखना है। और घर पे भी मतलब सेफ्टी के लिए हमें जैसे बोल रहे हैं कि आजकल डबल मास्क ट्रिपल मास्क यूज करो अगर बाहर जाना है, तो उसी तरह से मतलब हमें एक एक बार जैसे हमने मास्क उतार लिया उसको अच्छे से साफ करना है। मतलब ऐसे नहीं कि सिंपल पानी से या सिंपल सोप से नहीं होगा उसको, मतलब जैसा कि बताया हुआ है कि एल्कोहलिक वाला मतलब उसके हाई लेवल का मतलब सोप होना चाहिए या फिर डिटर्जेंट लगाओ, कुछ भी मतलब अच्छे से साफ होना चाहिए। मतलब ये हमें खुद के लिए करना है, मतलब सेल्फिश होना है इसके लिए कि हमें अपने आप को बचाना है, अपने आप को पहले बचाना है उसके बाद हम किसी और को यस बचा पाएंगे। अगर हम खुद यस बचेंगे यस तभी तो हम किसी की सर्विस कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी तरह से तो मतलब आपका आप क्या करना क्या चाहते हैं आगे लाइफ में? मतलब आप अभी से ही इतनी ज्यादा रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, आपने बुक लिख डाली, अभी आपकी एक और बुक आ रही है, एंड आप इतने ज्यादा पोएम्स लिख रहे हो। तो आप मतलब जब आप अपने आप को मतलब 5 साल के बाद देखोगे तो आप मतलब अपने आप को किस तरह से देखोगे? मतलब मैं पहले ये नहीं सोच रहा कि मतलब मैं क्या बनूंगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं अभी कुछ अच्छा, अच्छा यू आर करूंगा तो फोकसिंग ऑन प्रेजेंट। मतलब जो अभी ओके हो रहा है तो ना हम पास्ट में कुछ कर सकते हैं ना हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, हम मतलब जो कर सकते हैं वो प्रेजेंट में कर सकते हैं। जो मतलब जो गेम चेंजर जो पॉइंट है वो प्रेजेंट ही है। मतलब अगर हम प्रेजेंट में मतलब अगर हम सही करेंगे तो वो आगे जाके मतलब हम फ्यूचर को भी बदल देंगे, और जो हमारी पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं हम उसको एक टाइप से इंस्पायरेशन लेके उसको आगे बढ़ेंगे। वेल दैट्स ग्रेट। तो आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल जैसे सबसे पहले तो पेरेंट्स, उसके बाद फिर जैसे जो आसपास सोसाइटी में हो रहा है, उसके बाद हेटर्स और लवर्स। जैसे सबसे पहले हेटर्स जो होते हैं मतलब वो तो सबसे पहले आपकी ऐसा होता है ना कि मतलब हेटर्स जो होते हैं वो आपके कंटेंट को, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे हम कुछ भी पोस्ट करते हैं तो उसको मतलब सबसे पहले वो देखेंगे, देखने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब वो बोलेंगे कि हम देखेंगे तो इसकी रीच बढ़ जाएगी या कुछ होगा। तो उसके बाद फिर ऐसा भी करेंगे कि मतलब देखेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे, और कुछ होंगे मतलब जो लाइक और कमेंट दोनों करेंगे लेकिन शेयर नहीं करेंगे। तो ऐसा मतलब हमें इस चीजों पे नहीं पड़ना, हमें देखना कि जो हमारे जो हेटर्स हैं वो सबसे बड़े हमारे फैन हैं। वो इसलिए फैन है क्योंकि वो मतलब अगर हम हमें क्रिटिसाइज करेंगे हमारा जो कमेंट बॉक्स है मतलब वो नेगेटिव कमेंट से भर देंगे, तो उससे हमें तो कुछ नहीं होगा। मतलब जो उनका जो कमेंट्स वगैरह जो होंगे वो मतलब हमें एक तो मतलब एक टाइप से मोटिवेट करेंगे कि हमारी में जो गलतियां अभी भी रह गई हैं वो हम आके बढ़ सकें। और हमें तो पहले यही सोचना है कि ये जो कर रहे हैं ये मतलब हमसे जल रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और वो हमारा कमेंट्स वगैरह मतलब इतने सारे करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो पोस्ट होगी मतलब हाई लेवल पे आ जाएगी, मतलब टॉप पे आ जाएगी, उससे एंगेजमेंट वगैरह बढ़ेगी। तो वो क्या करेंगे उसको और हेटर्स को सेंड करेंगे, और हाँ जैसे कि इसका मजाक बनाओ या इसका मीम्स वगैरह बनाओ, जैसे मेरे ऊपर भी काफी मीम्स वगैरह बनी थी, तो उससे क्या होगा वो शेयर वगैरह करेंगे तो उससे क्या होगा आपकी रीच बढ़ेगी। अब काफी लोग जो आपके अकाउंट पे नहीं भी आए हुए वो भी आपके अकाउंट पे आएंगे, और वो मतलब इनकी तरह नहीं होंगे, वो देखेंगे कि ये बंदा मतलब कुछ असली में सही कर रहा है, तो वो मतलब आपको फॉलो वगैरह करेंगे, आपको सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे मतलब एक टाइप से मतलब वो आपके फैन है, फ्री में आपका प्रमोशन कर रहे हैं, फ्री में आपके लिए सब कुछ इतना कुछ कर रहे हैं, और तब भी मतलब आपके लिए अच्छे नहीं तो फिर और क्या। आई एम लिटरली लविंग योर आंसर्स, क्योंकि मैं मेरी थिंकिंग और आपकी थैंक्स थिंकिंग ना ऑलमोस्ट मैच करती है। अच्छा, हमने आपके बारे में काफी कुछ सुना, आप इंटरनेशनल अवार्ड, यू रोट अ बुक जो बेस्ट सेलर थी अमेजोन की। आपकी लाइफ जर्नी क्या है, मतलब कहाँ से आप आए, क्या हुआ, क्या क्या आपके हर्डल्स थी आपकी लाइफ में, वो क्या जर्नी क्या है आपकी लाइफ की? मैं मतलब जम्मू से ही हूँ पहले तो, उसके बाद फिर मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, तो उसके बाद मैंने मतलब वहाँ से सारा पढ़ा। तो मतलब सेवन जब मैं सेवन्थ क्लास था तब तो मुझे पता भी नहीं था मतलब पोइट्री होती क्या, मतलब पता होता ना कि मतलब पोएम होता क्या, मतलब मेरे को वो भी नहीं पता था कि पोइट्री क्या होती है। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब लिटरेचर की जो बुक्स वगैरह होती हैं स्कूल वगैरह में जो होती हैं तो वही थोड़ी बहुत पढ़ी। तो उसके बाद फिर मतलब ऐसे उनको देखकर थोड़ा एग्जांपल देखकर मतलब मैंने मेरा मन किया कि मतलब मैं
इस मदर्स डे पे अपनी मदर को गिफ्ट करूं, तो मैंने वही लिखी एक पोएम, तो वो मैंने गिफ्ट की, तो उनको वो मतलब ये लिखना अपने पसंद आई, गिफ्टिंग तो के थॉट से आपके अंदर आया कि मैं पोएम लिखता हूँ। मेरे को तो ये भी मतलब मेरे को शक था कि मतलब मैंने लिख दी है, मुझे मतलब इतना भी नहीं हाँ पता था कि ये मैंने लिखी है ये, तो वो मैं आपको रीड करके बताता हूँ। जो मैं पोइट्री थी वो फर्स्ट बिल्कुल पोइट्री थी। मदर, यू आर माई पेन क्योरिंग, यू आर माई थॉट्स हियरिंग, यू आर माई प्रोग्रेस राइजिंग, दैट्स वाई साउल ऑफ माइन इज गुड, आई एम ट्राइंग टू बी गुड, डोंट वरी, आई एम लाइक वेल्पिंग वुड, योर आईज ओनली ऑन मी स्टूड, दैट्स वाई साउल ऑफ माइन इज गुड, यू आर एडवाइजिंग मी टू कीप होल्ड एंड नॉट टू लूज होप ऑन बींग स्कोल्ड, दैट्स वाई साउल ऑफ माइन इज गुड, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट आई कुड, बट यू आर बिहाइंड मी एंड वॉक्स टू एक्सटेंट यू शुड, विदाउट यूर हेल्प आई वॉज नॉट एबल टू स्टूड, दैट्स वाई soul of mine is good, you are that person who bless me like a tractor, you are my benefactor and don't let me lose hope, that's why soul of mine is good, to score the highest marks and to get good remarks, you always advised me to do my best and after that take some time to rest, that's why soul of mine is good, thank you. दैट्स ग्रेट। मतलब मैं अब क्या कहूँ इस चीज के ऊपर, मैं खुद ऐसे हो रहा हूँ कि यार ये कोई नेक्स्ट लेवल बंदा आया थैंक मेरे यू साथ थैंक यू इंटरव्यू करने थैंक्स। के। अच्छा, आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिला, कैसे कैसे आपने मैनेज किया गवर्नमेंट की तरफ से? मतलब सच बोलूं तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब सपोर्ट तो मतलब हमें, मैंने जो भी आज तक किए मतलब इंडिपेंडेंट होके किए, मतलब यहाँ तक कि जो मैंने अपना रैप बनाया ना, जो रैप बनाया तो वो भी मतलब मैंने खुद किया, मतलब कोई सपोर्ट वगैरह नहीं था। तो मतलब मैंने माइक अपना खुद लाया, तो उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड भी घर पे खुद किया, तो सब कुछ मतलब मैंने खुद किया, कोई लेबल वगैरह या किसी के ऊपर डिपेंड होके, या फिर मतलब पैसे वगैरह खर्च के, मतलब ऐसा होता है ना कि नेपोटिज्म टाइप का, वैसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ मतलब मैंने खुद के टैलेंट पे, खुद के दम पे किया, तो इससे मतलब एक टाइप से प्राउड होता है अपने आप के ऊपर। अच्छा, अब आपने रैप की बात करी है तो आप कुछ सुनाएंगे? अभी मेरा लेटेस्ट रैप जो आया वो मतलब मेरा था बलात्कार, अच्छा वो नो रेप के ऊपर, जो मतलब आज तक जो आजकल रेप वगैरह हो रही है, तो उससे अवेयरनेस के लिए था वो। वो भी मतलब काफी लोगों ने सपोर्ट किया उसके ऊपर, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, अभी बीट्स के बिना सुना रहा हूँ, बीट्स के साथ काफी ओके। अच्छा था। चलो ठीक है। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन चिकार, डर सबके सर पे सवार के लिए क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार, तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया अब पछताए, मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोक कर भी ज्ञान न कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया जब ढंग से जीना न सिखाया, ये दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत जलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गहरे जख्म, जात पात औकात सब खाक, जब इंसानियत नामक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गर्म, देश भक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो महिला जिसने तुम्हें अपनी गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने झूठा दिलासा दिलाया, ऐसे बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ बाप का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की राह चाहे एहसान कर दे। भाई सेहत बरवाल, थैंक यू। वेरी नाइस मतलब ये साउंड तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन इसके अंदर एक इतना डीप मैसेज है जो पूरी जनता को मिलता है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। मतलब दैट्स रियली अमेजिंग यार, इतनी जल्दी सारा कुछ आपने कोप अप किया रैप्स हुआ है। तो वगैरह तो लाइक मतलब मेरे को आते नहीं थे, मैंने जो रैप वगैरह है ना ये मैंने ज्यादातर लॉकडाउन में मैंने सुने, जैसे एमिवे वगैरह के मेरे को काफी पसंद आए, तो वो फर्स्ट मैंने सुने। लॉकडाउन हाँ में फर्स्ट लॉकडाउन में, उसी में मैंने ये रैप बनाया, तो एक मैंने साल हो गया सुना। अभी।
जैसे एमिवे डिमाइन इस टाइप से, मतलब मैं सुनता था रैपर्स वगैरह को, तो मुझे काफी पसंद है उनके लिरिक्स वगैरह, उनका फ्लो काफी कुछ। तो जो रैप होता है वो तो मतलब एक तरह से पोइट्री होती है, जो मतलब मेरे को आती थी लिखनी, तो उसी को मतलब बीट्स के साथ करने की मैंने कोशिश की। तो इससे पहले भी मैंने एक रैप किया था, वो मतलब इतना अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि मेरे को फर्स्ट टाइम था, एक तो फर्स्ट हाँ टाइम था, ऊपर से फर्स्ट मेरे को टाइम रैप करना आता भी नहीं था, मतलब मैंने रैप सुनता भी नहीं था पहले, पहले मैं सिंपल म्यूजिक सुनता था। तो रैप्स तो मैंने मैंने ऐसे एक दो सुने थे, मेरे को पसंद आए, तो मैंने आजकल मैं रैप्स ही ज्यादातर सुनता हूँ। तो अब फिर मैंने ये बनाया था, तो ऐसे ऐसा ऐसा करके। वेल दैट्स रियली इंस्पिरेशन कि मतलब एक साल के अंदर आपने रैप सीखा, बनाया और उसको मतलब एक तरह से फेमस भी हो ये चुका है सब ये कुछ आपका खुद ही रैप। किया। तो फेमस भी दैट्स हुआ हूँ, रियली इंस्पायरिंग। ये तो एडिट आप एडिट भी कुछ खुद किया मैंने, सब कुछ एडिटिंग वगैरह भी इसकी खुद की थी, उसके बाद फिर बीट्स वगैरह भी खुद बनाई थी, उसके बाद फिर वीडियो भी खुद बनाई, सब कुछ मैंने खुद घर पे किया सब कुछ। दैट्स ग्रेट, मतलब मैं खुद इतना इंस्पायर हो रहा हूँ ना कि यार लॉकडाउन <हुँ. बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कि इसको यूज करो। मैं तो लाइक बहुत बोर होता हूँ लॉकडाउन में कि laughs> यार क्या करें क्या ना करें अभी। कुछ नया करना चाहिए, तो जैसे हाँ वीडियोस बिल्कुल, वगैरह कुछ में नया करना कुछ भी चाहिए। करो। तो आपके पास कोई मैसेज है कि आने वाले टैलेंटेड बच्चों के लिए कि लाइक अभी हम सहज सबरवाल से बात कर रहे हैं, क्या पता कोई और आने वाला सहज सबरवाल हो, कोई मैसेज उनके लिए? मतलब बस हमें ऐसे करते जाना है, मतलब रुकना नहीं है और डिमोटिवेट नहीं होना किसी से, मतलब जो आपको मतलब नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप कुछ बड़ा कर रहे हो तभी जाके कोई आपसे ऐसे कर रहा है कि मतलब आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है ताकि मतलब आप आगे ना बढ़ सको और आपको मतलब इससे डिमोटिवेट नहीं होना, आपको इससे इंस्पायरेशन लेनी है कि ये हमें नीचे कर रहे हैं, मतलब हम तो कुछ मतलब कुछ कर ही रहे हैं, अलग सा कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इसी से आप आगे बढ़ोगे तो जलने वाले तो जलेंगे, उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, हमें मतलब अपनी तरफ से अच्छा करना वेल दैट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू सहित भैया। है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, तो बाय, थैंक यू फॉर ओके बाय, ज्वाइनिंग टू थैंक सभी जर्नी, यू, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू। ओके बाय। दैट वाज आवर गेस्ट फॉर टुडे सहित सबरवाल, एंड ही इज 19 इयर्स ओल्ड एंड इन्होंने 17 की एज में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो आप भी लॉकडाउन को अपनी एक अपॉर्चुनिटी बनाएं और अपने अपने टैलेंट को निखारें। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक तवी जर्नल फॉर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ सेटअप, एंड यस मोहम्मद यासिन, मिहिर गुजराल, वृंदा गुजराल एंड चंद्रशेखर एंड विनिका गुप्ता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद तवी जर्नल। बाय बाय।